तो ये है वो पार्सल जो हमने मंगाया था, और वो भी एकदम इजीली। ये साइकिल की रेसिंग चालू है क्या? ये देखो यहाँ पे साइकिल की रेसिंग चल रही है। और रोनाल्डो आज के तुम फुटबॉलर हो? खेला आराम से। चलो भाई हमारा तो गोटरूम में जाने का टाइम हो गया। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आ गए भाई हम, आ गए हम। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए इनको फीड वीड डाल देते, जमजम का दूध निकालते, क्योंकि हमको जाना है जिम। पूरे 2 महीने बाद जिम जा रहे हैं भाई। जब से हमारी ये उंगली टूटी थी हम जिम कहाँ गए, अभी थोड़ा सही लग रहा है, जिम जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज से। अभी तो बहुत कुछ करना है, ये शरीर की तो पूरी वाट लग गई है, यहाँ वहाँ सब जगह से बाहर गिर रहा है। आर यू रेडी जमजम? चलो भाई डन फ्रॉम हियर, एवरीथिंग डन। यहाँ से जाते हैं जिम भाई, बहुत दिन बाद जिम जा रहे हैं हम। एक्साइटमेंट लेवल तो हाई है, हाई, और जोश भी हाई है काफी। जिम बैग की ऐसी हालत हो गई है कि इसको मार मार के साफ करना पड़ा। देखो पूरे 2 महीने हो जाएंगे, 1-2 दिन में हो गए क्या? 2 महीने नहीं, 2 महीने नहीं हुए, 2-4 दिन में 2 महीने हो जाएंगे तब से मैंने हाथ लगाया ही नहीं जिम बैग। ये बिल्डिंग तो पूरी बन गई यार। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आखिरी बार आया था जिम को, 2nd फ्लोर रेडी हो रहा था इसका। देखो पूरा के पूरा रेडी हो गया ये, अभी तो बस जिम जाना है, वर्कआउट करना है। ये देखो जिम में आके मुझे आधा घंटा हो गया है, मगर ये जिम में जाने ही नहीं दे रहा है। सारा पूछ रहा है कि कैसा हुआ क्या हुआ, मैंने सब बताया तो सही इसको। हाँ अभी तो देख रहा है, बोलता है कि इतना होने के बावजूद तू अलीबा पे चला गया राजस्थान, वीडियो अभी देख रहा है तू। देखो ये देख रहा है, देखो आराम से मैं वर्कआउट करता हूँ। यस भाई वो वक्त तो मैं याद करता हूँ ना तो मजा आ जाती है यार। क्या किया था मैंने सब में ना, डेजर्ट पे जो चीज करने गया था मैं वो करके आया मैं। ये आ गए हम हमारे जिम में, और हमेशा की तरह ये खाली है। हमारे लिए खाली कर दिया गया है ये जगह, वेट्स को पेंट कर दिया गया है, नहीं करते तो अच्छा होता यार। क्यों किए क्या वाले? चलो 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 स्टार्ट कर। 12:30 बज के चले गए, 10:30 के आसपास मैं जिम गया था, और अभी आ रहा हूँ मैं जिम से डायरेक्ट, मैं घर पे नहीं आया। उसके पहले मैं कहीं गया था हमारा पार्सल के लिए, जो मैंने बोला था ना आपको दो दिन पहले शायद से, कि एक पार्सल मंगाया मैंने गोटरू के लिए। वो क्या पार्सल मंगाया वो बताता हूँ। और जिम में जो है हमने ऑल बॉडी पार्ट्स वर्कआउट किया है, वैसे तो हमारी बॉडी को हैबिट है 2-3 दिन में अडॉप्ट कर लेगी। अभी तो खाते हैं फटाफट और दिखाते हैं आप जो हमने चीज़ मंगाई थी वो क्या चीज़ थी। बोला था शायद मैंने, पहले खाता हूँ फिर दिखाता। खाए पिए भर गया पेट, सारे काम भी हो गए, और ये है हमारा वो प्रोडक्ट जो हमने मंगवाया है। दिखाते आपको क्या चीज़ है ये, मगर उसके पहले इसकी एक रील बना देते यार, रील बना देते और फिर दिखाते आपको ब्लॉग में। ब्लॉग में तो आप पहले ही देख लोगे, रील तो बाद में डालूंगा मैं शायद। तो ये है वो पार्सल जो हमने मंगाया था, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रील के लिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया हूँ, आप लोग रील देख लो, जैसा प्यार यहाँ देते हो वहाँ भी दो इंस्टाग्राम पे। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर दो। चलो अभी फटाफट काटते और डालते हैं इनको बरसिंग, अभी तो हमारा वेस्ट नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये चीज़ मुझे भेजी है सांगली से हमारे दोस्त हमारे मित्र जाकिर भाई ने। पहले जब हमारी बरसिंग वेस्ट होती थी तो हमारे ब्लॉग्स में उन्होंने देखा था कि मोहसिन भाई एक चीज़ बताता हूँ आपको, वो देखो और आप मंगाओ। तो उन्होंने वो चीज़ का वीडियो बना के भेजा था, वो वीडियो देख लो आप पहले। वालेकुम मोहसिन भाई, एक ऐसा ले लो तुम, तुम्हारे को बहुत काम आएगा भाई बरसिंग के लिए। तुम्हारी बरसिंग वेस्ट जाती है ना भाई, वो वेस्ट नहीं जाएगी। ये देखो अभी देखो हम लोग का सब सिस्टम ऐसा ही है। अभी ये जाएंगे अंदर, देखना अभी डालूंगा मैं, देखना सब एक नंबर, टेंशन ही नहीं है भाई, वेस्ट ज़रा भी नहीं होता। ये देखो एक नंबर कटिंग होती है, वेस्टेज होने का चांस ही नहीं है भाई, पूरा पूरा खा लेंगे सब। ये हो गया पूरा रेडी, अभी जाएंगे अंदर। देखो ये देखो भाई, अभी ये पूरा भर गया माशाल्लाह, अभी पूरा सुकून से खा लेगी भाई अभी। ये देखो ये गया इसको, ये गया मेंढे को, और ये अब जाएंगे बच्चे लोग को। टेंशन खत्म, वेस्टेज होने का चांस नहीं, कुछ नहीं, ले लो एक, मजा आएगी भाई। जरा सरक पीछे,
देख लिए वीडियो, यही वो चीज है जो मैं यहाँ पे खोज रहा था। फिर मैं राजस्थान चले गया, फिर आने के बाद फिर खोजा मैंने। जाकिर भाई को बोला कि भाई यहाँ नहीं मिली, आप भेज दो। परसों ही मैंने उनको बोला, कल उन्होंने रात में लिया और उन्होंने उनके दोस्त के पास भेज भी दिया, जिनसे आ जाते यही लेके आया मैंने। ये है वो चीज। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई आपका। तो देखो ये इतनी हम लोगों ने काट ली है और बाकी है, इतनी काटे और इतनी आसानी से कोई हिसाब नहीं उसका, और वो भी एकदम इजीली। चलो भाई, काटे बरसिंग, डाले बरसिंग, खत्म भी कर दिए लोगों ने माशाल्लाह, और हमारी रील भी बना दी हमने, वो जरूर देखना, मजा आएगा। आप तुमको क्या हो गया भाई, आराम करो तुम लोग। अभी जाते हैं और वो वीडियो एडिट करते हैं जो हम लोगों ने कल शूट किया अलहक गोट फार्म पे, उमेश भाई वाले फार्म पे, और उसके बाद एक मीटिंग के लिए भी जाना है, एक्शन वाली दुनिया के लिए। पार्टी चल रही है यहाँ पे, तो क्या बात है भाई। वाह भाई जी, कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया। फिर मैं बरसिंग वरसिंग डालने का, इतना गर्म हो रहा था, थोड़ा लेटा तो डायरेक्ट 5 बजे फीट वीट डालने के बाद डायरेक्ट चले गया मैं एक्शन वाली दुनिया में, जो मीटिंग थी वो अटेंड करने, और अब आया हूँ 8:30 बजे रात के। अब मिलते हैं हम लोग कल, वो वीडियो एडिट करनी है उवेश भाई के फार्म की, अभी तक नहीं किया हो, अभी वो करेंगे। एक एडिटिंग में कम से कम 1.5 घंटा तो चल ही जाता है, और हमारे वीडियो भी तो बड़े बड़े होते हैं वॉक एंड टॉक वाले। कल रात में बर्गर पार्टी पे वीडियो हमने एंड किया, और आज देखो कहाँ शुरू कर रहे, नाश्ते पे। आज कैसा लग रहा है रोटी भाजी? बहुत अच्छा। सही है, बैठो अजलिन भाई तुम भी फटाफट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज द नेक्स्ट डे, अगला वाला दिन है ये। रात को 11:30 बजे तक मेरी एडिटिंग हुई, अपलोड कर दिया, अब आ जाएगा 10 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है देखते, 9:53 हो रहा है अभी, मतलब 7 मिनट में वो वीडियो रिलीज हो जाएगा। मस्त वीडियो बना है, क्या डिटेलिंग में बात की है मैंने और उवेश भाई ने, और माशाल्लाह उवेश भाई ने भी जो जवाब दिए सारे बहुत क्लियरिटी के साथ। आधा वीडियो डाला हूँ मैंने, आधा वीडियो और डालूंगा। ये जो हमारी सीरीज चलती है ना वॉक एंड टॉक वाली यार, इसमें ना पूरी बातें होती है पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ की, तो इसके लिए ना बड़ी बन जाती है वीडियो, और मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ऊपर की वीडियो आप लोगों को देखने मजा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ठीक है, तो इसलिए मैं वही हिसाब की रखता हूँ और 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डाल देता हूँ। चलो फिलहाल तो जो है फीड डालते हैं फटाफट इनको, और निकलते हैं भाई वर्कआउट के लिए। कल हमारा फर्स्ट डे था, आज हमारा सेकेंड डे, फटाफट जाएंगे, दाना डाला भी, खा पी के रिलैक्स भी कर रहे हैं जानवर सारे के सारे। ये देखो ये लोग खड़े हो गए, और इसे अभी दाना डाला मैंने। जब मैं अंदर आया गोटरू में, 10:07 कम थे, और अब टाइम क्या हो रहा है देखो, 11:09। इतना टाइम लग गया गोटरू में, जानवरों के लिए नहीं लगाया। जाबिर का फोन आया था, जाबिर इतनी बातें कर रहा है कि उसका हिसाब नहीं। जाबिर की फार्म की ओपनिंग है कुछ दिनों में, वहां जाना पड़ेगा, वही बता रहा था। चलो फिलहाल तो गोटरू में से जाते हैं। जाबिर ने तो पूरा शेड्यूल ही खराब कर दिया मेरा, जिम को आज हम लोग कल पे डाल देते हैं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। वाह, आएंगे बोल के घर में ही बैठ गए तुम। हाँ आते आते बोले नहीं आए, पूरा बरसिंग भी काट दिया मैंने, मालूम है। चलो ये देखो, यहाँ पे रैम्बो डायसन की मस्ती चल रही है फुल ऑन। बाकी के सारे जानवर अंदर ही है, जो अभी अंदर ही है। माही मुझे बोली कि मैं भी आऊंगी जब आप बरसिंग काटोगे, मगर आई नहीं माही। ये देखो हमारा बरसिंग काट के हो गया, ये एक बंडल है और एक बंडल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो एक बंडल है इसमें से 3 पोर्शन करेंगे, 2 पोर्शन जो है नोयान को देंगे, और एक जो पोर्शन और बचेगा वो भी कट करके आपकी फीमेल को डाल देंगे। आ गए अंदर, हाँ देखो कैसे भाग के अंदर आ गए। चलो अभी इनको बाहर शिफ्ट कर देंगे और बरसिंग डाल देंगे, फुल ऑन कट के रेडी है। बहुत काम आसान हो गया इससे मेरा, थैंक यू जाकिर भाई। चलो भाई ऑल सेट ऑल डन। अब ये जो एक पोर्शन बचा हुआ ये नोयान के लिए बचा हुआ है, अभी जो बांधा है वो खत्म करने के बाद ये बांध देंगे। और यहाँ पे देखो इनको भी दे दिए हमने, ये भी खा लेते हैं माशाल्लाह। सिंगो में तो एक अलग ही ग्रोथ लग रही है इनके माशाल्लाह। अच्छा ये बच गए 5, और यहाँ पे जो है वीडियो भी हमारी रेडी हो चुकी है। कौन सी वाली वीडियो रेडी हो चुकी है? उवेश भाई वाली, जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था वॉक एंड टॉक का, वो भी रेडी हो गई, कल आ जाएगी वो, कल यानी कि वेनेसडे को आ जाएगी। और ये जो ब्लॉग देख रहे हो आप लोग ये आएगा थर्सडे को, और इसके आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो तो बड़े जोरदार होने वाले हैं। बरसिंग वाले का फोन आ गया, जाता हूँ लेके आता हूँ। हेलो, चलो भाई जाते हैं बरसिंग लाते हैं। ये आ गई बरसिंग हमारी। सिर्फ बरसिंग नहीं आई है, हमारा गोट रूम का भी काम हो गया है, ऑल सेट ऑल डन। फीड वीड खा के हो गया है, दूध भी निकाल लिया मैंने। दूध पे से एक बात याद आई यार, एक बात तो बतानी चाहिए, बरसिंग का शेड्यूल चेंज कर देते, एक ही बंडल खिला रहे थे रात में और एक दोपहर में खिला रहे थे। हालांकि हम लोग 2 बंडल खिलाते थे दोपहर में, मगर हमारे पास जो तुअर भूसा नहीं था उस वजह से हम लोग रात में भी बरसिंग खिला रहे थे और वो एक बंडल खिला रहे थे। मगर पिछले 2 दिन से जो है हम लोग जो 2 बंडल्स हैं हमारे बरसिंग के, वही हम वो दोपहर को ही खिला दे रहे, उस वजह से दूध की क्वांटिटी में फर्क आया, ज्यादा दूध दे रही है। बरसिंग को तो मानना पड़ेगा भाई, इससे तो एक चीज समझ में आ गई, बरसिंग जो है बहुत ही फायदेमंद है। हाँ जितनी फायदेमंद है, एक्सेस ज्यादा खिलाने से उसके नुकसान भी है, डॉक्टर साहब ने बताया था हमको, उसके बारे में बताया था, याद है या नहीं आप लोगों को? अल्सर हो जाता है उससे ज्यादा खिलाने से, इसीलिए तो हम लोगों ने एक ही वक्त रखी है। चलो
फिलहाल तो सब लोग खा पी के आराम कर रहे हैं, अब बस हमको वाइंड अप के लिए आना है। नोयान के पास का प्लेटफॉर्म भी हटा दिया मैंने, बैठता ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, क्यों रखे फिर जबरदस्ती। वो प्लेटफॉर्म के नीचे फिर गंदगी रहती है, अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो वहां से भी रोज साफ। ये लैपटॉप किचन से हमारे एडिटिंग टेबल पे आ गया। ओवेज भाई वाली जो वीडियो है वो तो रेंडर हो गई होगी, अभी उसे अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे ताकि आप लोग देख सको उसे हमारे रोज वाले टाइम पे 10:15। ये वाले वीडियो के काम में लग जाते हैं। चलो भाई, ओवेज भाई वाली वीडियो जो है वो अपलोड भी हो गई, रिलीज भी हुई और आप लोगों ने देख भी लिए। ये अगला दिन है और ये व्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है। दोपहर के 12 बजने आ गए हैं, अब हम जाएंगे गोट रूम में और नोयान को वॉश करना है, नोयान बड़ा गंदा हो गया। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले व्लॉग से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्टा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। कैसा लगा ओवेज भाई वाला वीडियो बताओ जरा, और ये कैसा लगा दो दिन का कंबाइन करके डाल दिया एक साथ मैंने ब्लॉग।